भारत का बाहुबली, जिसकी रफ्तार के आगे आवाज की रफ्तार की भी ना चली। जो धरती पर कमाल, आसमान में धमाल और पानी पर भी बेमिसाल। जिसकी खूबियों पर अब दुनिया भी है निहाल। ऐसी ही है हमारी ब्रह्मोस की अचूक चाल। भारत और रूस की दोस्ती परवान चढ़ी तो ब्रह्मोस बनकर दुनिया पर छा गई। दोनों देशों के सहयोग से निर्मित ये है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हमारे इस बाहुबली की ताकत पर अब दुनिया ने भी अपनी मोहर लगा दी। इसका लोहा बड़े बड़े देश मान रहे हैं। यह आवाज से भी 3 गुना तेज चाल से दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद करने की ताकत रखती है। इसकी 2.8 मैक की रफ्तार अमेरिका की हार्पून सबसोनिक मिसाइल की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा है और इसीलिए तमाम देशों की नजर इसी पर है। भारत के इस नायाब बाहुबली को खरीदने की कतार में फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे 15 देश तैयार हैं। मुमकिन है कि बहुत जल्द ही इस बात का ऐलान भी हो जाए कि ब्रह्मोस का पहला खरीदार देश कौन सा है। राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी तथ्यों पर पूरी गहन पड़ताल के बाद ही भारत और रूस इस मिसाइल को किसी भी देश को बेचेंगे। जिस दिन ब्रह्मोस का सौदा किसी तीसरे देश के साथ हो जाएगा, हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की भी धाक जम जाएगी। इस मिसाइल की सबसे पहली बिक्री पर सबसे अहम होगी चीन की प्रतिक्रिया, क्योंकि जितने भी देशों ने इसे खरीदने की इच्छा जताई है उनमें ज्यादातर दक्षिणी एशियाई देश ही हैं। रूस और भारत मिलकर इस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार कर रहे हैं। इस नए संस्करण की रफ्तार तो 5 से 7 मैक के बीच होगी। तब ये मिसाइल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बन जाएगी। जाहिर है कि उस वक्त इसकी रफ्तार के दीवाने देशों की कतार और लंबी होगी। भारत के लिए, मेक इन इंडिया अभियान के लिए हथियारों की दुनिया में ये एक ऐसा आयाम होगा जिसके आगे बड़े बड़े देशों की भी चमक फीकी पड़ जाएगी।